नतीजा ये होता है कि अल्लाह ताला हिकमत से दिल को मुनव्वर कर देते हैं और ज़ुबान पर हिकमत के चश्मे जारी फरमा देते हैं। सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, मा ज़हिदा उन फिल दुनिया इल्ला अंबतल्लाहु अल-हिकमा फी क़ल्बिही व अंतक़ बिहा लिसानहु व बसरहु अय्बा दुनिया व दाअहा व दवाअहा व अख़रजहु मिन्हा सालिमन इला दार अस-सलाम। फरमाया जो आदमी दुनिया से ज़ोहद इख्तियार करता है, यानी दुनिया में रहता है, दुनिया के जायज़ वसाइल इख्तियार करता है, उनकी कदर भी करता है, लेकिन दुनिया से मोहब्बत नहीं रखता और दुनिया को आखिरत की तैयारी का सबब समझता और दुनिया में लंबी लंबी उम्मीदें नहीं बांधता, फरमाया ऐसा आदमी अल्लाह ताला उसके दिल में हिकमत डाल देते हैं। इल्ला अंबतल्लाहु हिकमत फी क़ल्बी, अल्लाह इस आदमी के दिल में हिकमत डाल देते हैं। और उसका असर क्या होता है, वह अंत का बेहाल इंसान हो, फिर उसकी जबान से हिकमत की बारे को वो जब बात करता है तो हिकमत की बात करता है। वह बस रहा हूँ आई बस दुनिया वहाँ व दवा, फिर इसके नतीजे में अल्लाह दुनिया के उयूब, दुनिया के नुक्स, दुनिया की नापायदारी, दुनिया की बेसबाती इसकी आंखों पर जाहिर कर देते हैं। वदाहा व दवाहा, और दुनिया की बीमारी और दुनिया की दवाई, इसकी बीमारी क्या है, गफलत है, लापरवाही है, ये वह, और इसकी दवाई क्या है, अल्लाह की याद है, आखिरत की फिक्र है, आखिरत की तैयारी है। फरमाया वह अखरजा हू मिन्हा सालिमन इला दारुस्सलाम, फिर अल्लाह ताला इसको सलामती के साथ दारुस्सलाम में पहुंचा देते हैं। दारुस्सलाम जन्नत, जो मोमिन का असल घर है, जो मोमिन का असल घर है। तीसरी रिवायत में फरमाया मा ज़हिदा अब्दुन फिद दुनिया, तीसरी रिवायत सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, फरमाया क़द अफ़लहा मन अख़लसल्लाहु क़ल्बहु लिल-ईमान, क़द अफ़लहा मन अख़लसल्लाहु क़ल्बहु लिल-ईमान, वो आदमी कामयाब हो गया, फना पा गया, कामयाब हो गया जिसके दिल को अल्लाह ने ईमान के लिए खालिस कर दिया। दिल में ईमान है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है बाकी है, और शरीयत की मोहब्बत है, दीन की मोहब्बत है। ये जिस आदमी के दिल को अल्लाह ने ईमान के लिए खालिस कर दिया, ये आदमी कामयाब हो गया। वजअला क़ल्बहु सलीमन, इसको दिल क़ल्ब सलीम, जो हसद, बोगस, गीना, नफरत, इन बीमारियों से जो दिल सही हो, सेहतमंद हो, वो क़ल्ब सलीम है। فَمَا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، مال اور اولاد کام نہیں آئے، قلب سلیم کام آئے گا، جو اپنے دل کو دنیا کی گندگیوں سے بچا کر، ایمان کے نور سے منور کر کے، معرفت الہی کے ساتھ اپنے دل کو لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوا، ये काम है। और ये दिल एक ऐसी चीज है, हदीस शरीफ में है कि मैं अपने आसमानों में और अपनी जमीनों में न सिमा सका,
لیکن میں اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں.